सो हे गाइस, मैं हूं शुभदीप एंड वेलकम टू दिस चैनल क्रिएटोरियन। तो आज इस वीडियो में मैं रेट्रो टाइपोग्राफी टेक्स्ट डिज़ाइन को क्रिएट करने वाला हूं पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को यूज़ करके। तो यहां पे पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहां पे जो बैकग्राउंड की कलर है उसको आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो आप यहां पे कोई भी कलर को ले सकते हो। तो मैंने यहां पे जिस कलर को लिया है उस कलर की जो कोड है वो आप यहां पे देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जिस कलर को लिया है वो थोड़ा सा डार्क है। तो आप यहाँ पे कोई भी कलर को ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा डार्क कलर आप यूज़ करो। तो इसके बाद एक टेक्स्ट को ऐड करके मैं यहाँ पे कलर वर्ड को टाइप करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। वर्ड को टाइप करने के बाद इसको बैकग्राउंड की मिडिल पे आप प्लेस कर देना। तो इसके बाद इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए फॉन्ट ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे जो सिंड्रेला फॉन्ट है उसको मैं यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे आप कोई भी फॉन्ट को यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिस फॉन्ट को मैंने यूज़ किया है वही सेम फॉन्ट आप भी यूज़ करो। तो फॉन्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा आपको एडिट करना होगा, जैसे कि इसकी जो साइज़ है उसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा एंड इसकी जो पैडिंग है, पैडिंग की जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना आप। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कलर कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ पे एक कलर को क्रिएट करने वाला हूँ। तो आप चाहो तो सेम कलर को भी क्रिएट कर सकते हो या फिर आप डिफरेंट कलर को भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट क्रीम कलर को सिलेक्ट किया है। तो कलर को सिलेक्ट करने के बाद इसकी एक कॉपी को आपको लेना होगा। तो यहाँ पे कॉपी को लेने के बाद उसको भी मैं बैकग्राउंड की एकदम मिडिल पोजीशन पे प्लेस कर दूंगा। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट की कलर है उसको मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने जिस कलर को यहाँ पे लिया है आप देख सकते हो। अब यहाँ पे लेयर ऑप्शन पे जाके जो फर्स्ट लेयर है उसको ड्रैग करके सेकेंड लेयर के नीचे आपको प्लेस करना होगा। देन यहाँ पे जो सेकेंड लेयर है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा एंड यहाँ पे जो मूव बाय की जो ऑप्शन है उसको 6 पिक्सल पे सेट करके आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन की तरफ या फिर राइट जो मूव है उसको आपको 2 बार क्लिक करना होगा एंड 4 पिक्सल के ऊपर क्लिक करके जो डाउन एरो है उसको आपको 1 बार क्लिक करना होगा। तो फिर से यहाँ पे कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करके जो कलर वर्ड है उसकी एक कॉपी को मैं ले लूँगा। तो कॉपी को लेने के बाद उसको बैकग्राउंड की एकदम मिडिल पोजीशन पे प्लेस करके कलर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस टाइम थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ पे लेयर ऑप्शन पे क्लिक करके जो फर्स्ट लेयर है उसको ड्रैग करके आप थर्ड लेयर के नीचे प्लेस कर देना। अब यहाँ पे थर्ड लेयर को सिलेक्ट करके मूव बाय की जो स्केल है उसको 6 पिक्सल के ऊपर सेट करके जो राइट एरो है उसको आप 4 बार क्लिक कर देना एंड यहाँ पे 4 पिक्सल के ऊपर सेट करके जो डाउन एरो है उसको आप 2 बार क्लिक कर देना। तो इसी तरीके से आपको 6 लेयर्स क्रिएट करना है जो कलर वर्ड है उसकी एंड हर एक लेयर की जो कलर है उसको आपको डिफरेंट रखना है। एंड यहाँ पे हर एक लेयर के लिए मूव बाय स्केल की जो वैल्यू है वो डबल होता जाएगा। जैसे कि जो फर्स्ट लेयर है उसके लिए राइट एरो की जो मूव बाय है वो 6 पिक्सल के ऊपर 1 बार क्लिक था, जो दूसरा लेयर है वो 2 बार, जो तीसरा लेयर है वो 4 बार, ऐसा होता जाएगा। एंड यहाँ पे मूव बाय स्केल की जो डाउन एरो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि फर्स्ट लेयर के लिए 1 बार, सेकेंड लेयर के लिए 2 बार, थर्ड लेयर के लिए 3 बार आपको डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पे हर एक टेक्स्ट लेयर के लिए अलग अलग कलर को सिलेक्ट किया है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आप देख सकते हो कि मैंने फर्स्ट यहाँ पे लाइट कलर को सिलेक्ट किया था, देन यहाँ पे डार्क कलर को सिलेक्ट किया था। तो मैंने ओवरऑल एक लाइट एंड डार्क कलर की कॉम्बिनेशन को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे जो लास्ट कलर आप देख सकते हो वो है टेक्स्ट की शेडो के लिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क रेड कलर को यूज़ किया है। तो आप चाहो तो ब्लैक कलर को भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे जो लास्ट टेक्स्ट की लेयर है उसके लिए आपको शेडो ऑप्शन को इनेबल करना होगा। तो शेडो ऑप्शन को इनेबल करने के बाद जो ब्लर रेडियस है उसको आप एकदम 0 पे सेट कर देना एंड यहाँ पे जो ऑफसेट एक्स एंड ऑफसेट वाई की जो वैल्यू है उसको आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। इसके बाद लेयर ऑप्शन पे जाके जो फर्स्ट टेक्स्ट की लेयर है उसको सिलेक्ट करके उसकी एक कॉपी आप ले लेना। तो कॉपी को लेने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा कलर ऑप्शन के ऊपर। तो कलर ऑप्शन पे जाके जो कलर की ऑपोसिटी है उसको आप एकदम 0 कर देना। तो यहाँ पे कलर की ऑपोसिटी को 0 करने के बाद यहाँ पे जो स्ट्रोक ऑप्शन है उसको इनेबल करना होगा। तो स्ट्रोक ऑप्शन को इनेबल करने के बाद इसकी जो स्ट्रोक विद है उसको मैं 1 पे सेट कर दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको बैकग्राउंड की मिडिल पोजीशन के ऊपर ला के इसकी जो ऑपोसिटी है उसको थोड़ा सा कम करना होगा। ऑपोसिटी को कम करने के बाद ये जो टेक्स्ट है इसकी लेयर को सिलेक्ट करके आपको 2 बैक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जो टाइपोग्राफी है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो इसके बाद लेयर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके सभी लेयर को आपको एक के बाद एक सिलेक्ट करना है। देन नीचे आपको मर्ज ऑप्शन दिख जाएगा तो उसके ऊपर क्लिक करके सभी लेयर को आप एक साथ मर्ज कर देना। तो यहाँ पे सभी लेयर्स को मर्ज करने के बाद आपको जाना होगा रोटेट ऑप्शन पे। तो रोटेट ऑप्शन पे जाके ये जो टाइपोग्राफी है इसको आप -4 डिग्री पे रोटेट कर देना।
तो यहाँ पे जो टाइपोग्राफी इफेक्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट है, तो अब इसको सेव करना होगा। तो इसको सेव करने के लिए ऊपर की तरफ आपको सेव ऑप्शन दिख जाएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके जो क्वालिटी ऑप्शन है उसको आपको अल्ट्रा पे सेट करना होगा, देन सेव टू गैलरी ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगा और एक न्यू वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए दिस इज शुभोदीप पाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।